हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल टूपर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं आज लेके आ चुका हूँ रेलवे पैरामेडिकल 2019 में जो एग्ज़ाम लिया गया था लैब सुपरिटेंडेंट्स का, तो उसका फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर जो फाइनल एग्ज़ाम्स है जो 20 जुलाई 2019 को हुआ था फ्रेंड्स 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। और PDF अगर चाहिए तो आप मेरे को मेरे चैनल में नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दिया हूँ अपने ब्लॉग का, medicaltubers.blogspot, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड के सेक्शंस पे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। राइट आंसर हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए मिरर। राइट आंसर कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। राइट आंसर 6.37 × 10⁶। फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वह ग्रीन में कलर में दिया हुआ है, आप इसको बखूबी देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए मिक्सचर्स ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड ए। राइट आंसर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एल्यूमिनियम। राइट आंसर Al। रिएक्शन ऑफ विच एनर्जी इज रिलीज टू सराउंडिंग एज नॉन एज। राइट आंसर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperatures below its boiling point is called। right answer evaporations। next, the animal which lay eggs are called animals। right answer oviparous। some disease last only for every short period is called disease। right answer acutes। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिंस। राइट आंसर हिप्पोक्रेटस। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अलर्ट कोड इज ODHWU देन हाउ इज द डेब्यूट कोड इन दैट लैंग्वेज। राइट आंसर नंबर सेकेंड HGEWX। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। राइट आंसर 4, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द क्वेश्चंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोन इन द स्टेटमेंट्स दिस स्टेटमेंट इज द फॉलो बाय 3 कंक्लूजन assumes the given statements to be true and choose the answer from the given options। statements b r equal e a d conclusions and right answer is second only second for laws। next questions, a girl stand on the lawn facing south directions the turns 45 degrees in clockwise directions and 135 degrees in anti-clockwise directions, which direction is facing now? Right answer east। on dividing a number 301 we get 42 as remainder, on dividing a same number by 43 what will be remainder? Right answer is 42। and next questions, two bells ringing interval 74 second and 44 second if they both ring at 10 o'clock in the morning together after that how many second will be there together। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि एक बेल अगर 75 सेकेंड में रिंग करता है और एक बेल 44 सेकेंड में रिंग करता बेल करता है तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो दिए गए नंबर थे वो दोनों को डिवाइड करना है, जो भी नंबर इस दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाते हैं वो राइट आंसर हो जाते हैं, अर्थात 74 और 44 से दो डिवाइडेड होते हैं जिसका, तो वह राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
The ratio number of the girls to boys in a school in 2160 students in ratio 23:25. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? Answer number 3, 90. Next questions. 1150 boys and 850 girls are examined in a test. 42% of the boys and 36% of the girls pass the test. The percentage of the total who failed is, right answer, 60.55. Next, a train passes up the platform 38 seconds and a man standing on the platform 22 seconds in the speed of the train is 29 meter per second. What is the length of the platform? So friends, आपको करना क्या है, 38 seconds total अगर उसको timing लगता है तो उसमें से minus कर देना, एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 22 second लगता है, तो friends total हमारा जो 38 में 22 minus करेंगे तो आएगा 16 minutes आएगा, तो 16 जो मिनट होगा फ्रेंड्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 29 मीटर प्रति सेकंड से, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो राइट आंसर 464. नेक्स्ट क्वेश्चंस. बाय सेलिंग ए सीपीयू ऑफ द 4945 ए मैन मैक्स ए प्रोफाइल ऑफ 50% ऑफ द व्हाट प्राइस शुड वी सेल इनटू मैक ए प्रॉफिट ऑफ 25% इन रेट्स. राइट आंसर 5375. नेक्स्ट क्वेश्चंस. अन्नू रानी वॉन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट इन एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप 2019. राइट आंसर जेवलिन थ्रो. नेक्स्ट क्वेश्चंस. राणा प्रताप सागर डैम इज द लोकेटेड इन द विच स्टेट्स. राइट आंसर राजस्थान. लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. राइट आंसर गोमती. एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस. वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता कैव्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. राइट आंसर महाराष्ट्र. हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर गेव टू स्लोगन डू आर डाई. राइट आंसर महात्मा गांधी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस. हु अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. राइट आंसर प्रेसिडेंट्स. हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल councils. Right answer union home ministers. And next questions. What is the full form of Niti Aayog? Right answer national institutions for transforming India. Which of the following rays penetrates the ozone layer are attenuated from and reach the earth. Right answer ultraviolets. Next questions number 30. The Aga Khan Trophy is the related to which of the following games or sports? Right answer hockey. Next questions. Microbes living is the complete harmony with the host without causing any damage are known as. Right answer commensals. Next, the name of anticoagulants present in the tube shown in image. Image is the light blue sodium citrate. Right answer. Next questions. The balance use measure near accurate value is. Right answer analytical electronic weighting balance. The arrow mark point is the which of the analyzer as shown in image. Right answer the people is the which of sample is introduced. When drawing blood from a patient, which is a key consideration to avoid paranalytical errors? Right answer of the above. Name of the part marked by the arrow as shown in the image. Right answer sample probe. Next questions. Which sample is the not suitable for electrolytic analysis? Right answer hemolytic sample. Identify the instrument shown in the image. Right answer ELISA reader. Next questions. Which of the best choice of automatic analyzer? Random access analyzer. The
disinfectants commonly applied on the site of blood collection is? Right answer, 70% ethanol. Synovial fluid is collected from the joints. Which one of the following does not include routine liver function tests? Right answer, bile acids. The next questions. The reagent used in the estimations of bilirubin is diazo reagent. Hormone assay using immunoassay, the technique require all accepts. Right answer, top tap water. Which one of the following test does not form part of the glucose tolerance test? Right answer, blood urea. Next questions. Unized blood samples taken, the blood gas analysis should be analyzed within 30 minutes. Acid phosphate estimation is done to disease related to prostates. Next questions. Cerebrospinal fluid samples are collected by? Right answer, physicians. Next questions. The normal level of the reticulocytes in adult is? Right answer, 0.5 to 2.5% reticulocytes. The normal range of the package cell in PCV. The right answer, friends, right answer isme nahi hai bataya ja raha hai. This question is the dropped for evaluation due to no answer ke. Isme right answer nahi diya hua tha, iske wajah se drop kar diya gaya. Next questions. Simultaneous presence of anemia, leukopenia and thrombocytopenia is called? Answer, pancytopenia. Microscopic examination of urine is done to find off? Answer, all of the above. RBC per cell cost, all of the above. Next question. Sample used for platelet counting is? This question is dropped for evaluation due to multiple answer ke. Friends, isme ek se adhik answer ke the, iske wajah se isko bhi drop kar diya gaya hai. Next questions. Abnormal proliferations of hematopoietic cell is called leukemia. The acid hematin method is estimations of the hemoglobin is known as the right answer Sahli's methods. Next questions. Normal level of the total protein present in the cerebrospinal fluid is? Right answer hai friends, 15 to 60 mg. Next questions. Which of the following is the parent cell of platelets? Megakaryocytes. Normal level of MCH, right answer, 29.5 minus plus 2.5 pg per cell. Finger prick is used to determine, right answer, bleeding time. Rh typing is the best on D antigen present in the RBC's surface. Which of the following personnel work is for a blood bank? Right answer, all of the above. Which one of the following does not include in blood bank registers? Right answer, male and female register. Next questions. Which one of the following does not include criteria of blood donors? Right answer, monthly blood donations allowed. It is not criteria. ESR equipment is known as first Western grand methods and second Winthrop methods. Name the graph shown in the image. Right answer, standardization chart. The method used to measure the rate of a reactions is kinetic methods. And next our questions is the friends, in which of the following stands method only methylene blue or carbol fusion used? Right answer, simple staining. A amount of the anticoagulant in a CPDA 300 ml blood collections bag is?
दिस क्वेश्चन इज द ड्रॉप इवोल्यूशन ड्यू टू नो आंसर के. फ्रेंड्स नो आंसर के होगा क्योंकि 300 ml ब्लड कलेक्शंस बैग में अगर आप देते हैं तो 757, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह 42 ml होता. तो 42 आंसर नहीं दिया गया था फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम 350 ml ब्लड बैग में लेते हैं तो उसमें एंटीकोगुलेंट्स की मात्रा 49 ml होती है. तो 49 ml जब होती है तो अब उसको अगर 300 ml लेना है तो हमें 350 को डिवाइड कर देते हैं 49 से, तो आ जाता है हमारा 7/50 ml. तो फ्रेंड्स अब इसको 7/50 ml को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 300 से, मतलब 300 के 6 से, 6 टाइम तो 7×6=42, 7×6 टोटल हो जाएगा हमारा 42. इस तरीके से राइट आंसर 42 आएगा फ्रेंड्स. द मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर द वॉल बॉडी फॉर रेडिएशन वर्कर्स इज, राइट आंसर 5 rem पर ईयर. नेक्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इन नॉन एज द स्केलोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड्स फॉलो थ्रू द, राइट आंसर सब एराक्नोइड्स स्पेस. हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर प्यूटरिटी डज नॉट इंक्लूड्स, दिस क्वेश्चन ड्रॉप इवोल्यूशन ड्यू टू मल्टीपल आंसर के. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट लिम्फोइड्स ऑर्गन्स, राइट आंसर लिवर. ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड ए ऑफ द रिसेप्टर, राइट आंसर लिगेंड्स. Which one of the following does not include a maintenance of biosafety cabinets? Right answer, work can be done near the front of the cabinet. Which section is the clinical laboratory deals with the assessment of different cell in blood? Right answer, hematology. Next question, which of the following records should not be retained in a laboratory? Right answer, all of the above. And first option, quality control records, instruments maintenance record and blood donors record, all are the important. So all record is the maintenance. Chemicals which liquefy when exposed to air are called, right answer hygroscopic. Question number 79. The reagent used in the estimations of glucose is, right answer hexokinase reagent. Question number 80. All special types of investigation use, right answer type of reagent grade water. Next questions. Which of the following helps to keep a reagent or chemical dry? Right answer desiccators. Question number 82. Precautions followed against biohazard includes, right answer all of the above. A fragment of tissue taken out of an organ from living persons to examination is called, right answer biopsy. The commonly used fixative for slide preparations is, right answer formalin. Question number 85. Anti-immunoglobulins is known as, right answer Coombs syrup. Which one of the following does not include in various aspects in the quality control in blood banks, right answer the RHD antigen should be checked with only the positive control. Next questions. Sample of skin scraping are obtained using, right answer a blunt scalpel. Question number 88. Which of the following specimens is tested for parasites, right answer is urine and blood. Which one of the following cultures is difficult
to maintains, right answer, anaerobic staining of microbacterium leprae requires 5% sulfuric acid arthat H2SO4. Nigrosin solution is used for negative staining for capsules. Which one of the following are catalyze producing bacteria is streptococci? Which one of the following is not a solid culture milieu? Selenite, F. both. Which one of the following is not a characteristic of a BACTEC system? Right answer, biochemical analysis result are not displayed. What temperature is the maintenance is a bacterial incubators? Right answer, 37 degrees Celsius. Question number 96. The device which maintains the set temperature in a hot air oven is called? Right answer, thermostat. Next, rice water stored in a characteristic features of? Right answer, cholera. The unit of length is? Right answer, meter. Components of the professional socialization include? Right answer, all of the above. First option, knowledge and skills, attitudes, professional values, and right answer, all of the above. Next question number 100. The incubation period of the hepatitis B virus within the body is? Right answer, 45 to 180 days. तो फ्रेंड्स, हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस यही कंप्लीट हो जाते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, और साथ में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए medicaltubers.blogspot में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे.